हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल YT सिविलियंस। ये दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्लैब कास्टिंग के पहले क्या क्या चीज़ें देखने की होती है या क्या क्या चीज़ें हमें चेक करने की होती है वो देखेंगे और समझेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी स्लैब कास्टिंग का लेवल रहेगा, 150 रहेगा, 200 रहेगा, व्हाटएवर जो भी मेंशन रहेगा, उससे ऊपर जो भी शेड्यूल में या मेंशन रहेगी स्पेसिंग शेड्यूल में, उसके ऊपर हमें एक कॉलम में रिंग प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर रिंग इंक्लूडिंग द ट्रायंगल बार, चिप या बॉक्स रिंग्स, ऑल दिस वी हैव टू प्रोवाइड। उसके बाद ये हो गया, प्रॉपर उसको प्रोवाइड करो। उससे क्या होता है, जब हम पंप यूज करेंगे, पंप अभी तक मोस्टली अभी पंपिंग कॉन्क्रीट ही होता है, तो उसकी वजह से जो पंप रहता है वो अगर बाई चांस हिट हो गया कॉलम बार्स को, तो कॉलम इधर उधर भागने का डर रहता है, तो उसके लिए हमें वो प्रोवाइड करना रहता है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कवर। कवर अच्छे से प्रोवाइड करो, जैसे भी आप कवर प्रोवाइड करते हो वो सब अच्छे से प्रोवाइड करो। एक एक मीटर के इंटरवल पे आप कवर प्रोवाइड करते जाओ। देखो, यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया, उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रोवाइड किया, तो ये सब चीज़ें मेंटेन रखो। उसके बाद थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, मुझे तो ऐसा लगता है ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें शेड्यूल में एंड बार्स प्रोवाइड करने के लिए बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऊपर हमने 3 बार प्रोवाइड किया और उसके नीचे हमने और 1 बार प्रोवाइड किया है एंड बार्स। ये एंड बार्स हर एक इंजीनियर का काम रहता है कि उसको चेक करना कि प्रॉपर प्रोवाइड किए हैं या नहीं। इस ये प्रोवाइड करने का वजह ये है कि एंड बार अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ सकता है, और उसे काउंटर करने के लिए हमें ये प्रोवाइड करना पड़ता है, और कंसल्टेंट आके यही चेक करता है। उसके बाद हो गया बेंट अप बार्स। बेंट अप जैसे भी आपके जनरल ड्राइंग्स में बेंट अप बार्स बोला होगा प्रोवाइड करने के लिए, वैसे आपको प्रोवाइड करना है। हमने यहाँ पे L/3 पे प्रोवाइड किया है, और जो एंड में जाके L/7 पे हमने प्रोवाइड किया है। जैसे भी हमें जनरल ड्राइंग्स में बताया गया है वैसे वैसे हमने प्रोवाइड किया है। और अगर टॉयलेट रहेगा तो टॉयलेट का डेप्थ कितना है, अभी हमारे यहाँ पे अंडर स्लंग्स स्लैब है, तो हमारा 75 mm है, तो उस हिसाब से हमने वो चीज़ प्रोवाइड किया। तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारा नानी ट्रैप जाएगा नीचे, तो वो नानी ट्रैप बराबर उसके अंदर से जो लिक्विड रहेगा वाटर फ्लो होना चाहिए, नहीं तो बाद में वो लीकेज की वजह से चांसेस हो सकता है। तो आप वो सब चीज़ें देख लेना स्लैब पे। अभी पूरा एक पूरा अभी समझो 4x10x10 का मेरा स्लैब रहेगा, एक कैसे बताऊँ आप, एक गाला रहेगा, तो वो गाले को हम अक्खा अप्लाई तो नहीं लगा सकते, उसको पार्ट पार्ट में ही लगाना पड़ता है। तो उसके लिए हमने, तो वो जब जॉइंट रहता है तो वो जॉइंट के लिए हमने हमें वो टेप लगाना पड़ेगा। टेप की वजह से जो स्लरी वगैरह रहती है वो नीचे नहीं जाते, और बाद में जब हम वो फॉर्म वर्क खोलते हैं तो हम आसानी से टेप निकाल सकते हैं। उसके बाद ये अभी कंसील फिटिंग ही होता है सभी जगह, तो हमने ये प्रोवाइड ये जो पाइप्स दिए हैं ये पाइप्स भी आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी आपके स्लीव्स एंड कटआउट रहेगा या फिर कॉन्ट्रूटिंग लेआउट रहेगा, उसमें ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाती है, क्या लेवल पे आएगा, कितने का डाया आएगा, तो वो सब चीज़ें भी आप देख अच्छे से देख लेना, क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें बीम को अफेक्ट करती है। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें बोला गया कि नीचे से 100 mm पे डालना है और हमने 200 पे डाल दिया, तो उतना बाद में तोड़ना पड़ेगा ढूंढने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना। स्लीव्स एंड कटआउट लेआउट हो गया, उसके बाद कॉन्ट्रूटिंग लेआउट हो गया, वो सब चीज़ें आप देख लेंगे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बाद में बहुत अफेक्ट करती है इकोनॉमिकली, और जो बाद में जो उसको ढूंढने के लिए जो तकलीफ़ होती है वो तो अलग से, वो तो लेबर ही जाने कितना तकलीफ़ होता है उसको। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप देख लेना। सपोर्टिंग देख लेना, अभी बारिश चालू है इसके लिए मैं आपको नीचे जाके सपोर्टिंग नहीं दिखा सकता, तो आप सपोर्टिंग देख लेना, सपोर्टिंग बराबर है या नहीं है। उसके बाद कौन सा सपोर्टिंग है आपका, ट्रेडिशनल है, लेज़र वर्टिकल है, वो सब चीज़ें आप देख लेना। अभी हमारा कैंटिलीवर
कैंटिलीवर पोर्शन फ्रंट वाला है, वो बहुत बड़ा हाइट है उसका कैंटिलीवर का, तो हमने ये चेन बक्कल प्रोवाइड किया, खींच के रखा है, बाहर से खींच के रखा है ताकि वो बाहर भागे नहीं। अच्छा किया है, पसंद आया ये चीज़, पहली बार देखा मैंने भी। और कंक्रीट स्टार्ट होने के पहले प्रॉपर इलेक्ट्रिक फैसिलिटी है या नहीं वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि हम वाइब्रेटर चलाने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम वाइब्रेटर नहीं चला सकते, तो वो एक मेन फैक्टर है। और जैसे कि अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, तो अगर हम कंक्रीट करते और तब बारिश हो रही है, तो टारपोलिन बहुत मैक्सिमम साइज़ में जितना अवेलेबल हो सकता है उतना टारपोलिन हम उसका अवेलेबिलिटी चेक करेंगे है या नहीं, क्योंकि बारिश जब होगी तो हमें उसे ढक के रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे कंक्रीट सेट होते हुए जाएगा, तो आफ्टर 1 एंड 1 एंड हाफ आवर यू कैन स्टार्ट अ स्प्रिंकलिंग वाटर, आई एम सेइंग जस्ट स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन इट। तो हम उसे हल्का हल्का उसे पानी उसके ऊपर स्प्रिंकल करते रहेंगे, ताकि उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट हो चुका होगा। तो वो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख लेना, उसके ऊपर वायर ब्रश प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़ें भी आप देख लेना। अगर स्लोप में है किसी जगह पे कंक्रीट प्रोवाइड करने के लिए बोला है, तो उसका स्लोप चेक कर ले करके रख लेना, स्लैब का लेवल चेक करके रख लेना, और ड्यूरिंग कंक्रीट, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद ये सब चीज़ें कर नहीं सकते, तो ड्यूरिंग कंक्रीट हम इसे कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि नीचे एंड बार्स आ रहा है या LHS और RHS वाले बार आ रहे हैं, और मेन जो टॉप बार है उसके बीच में ये स्पेसर प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी देख लेना आप कि स्पेसर बराबर प्रोवाइड किया है कि नहीं, बीम में कवर प्रोवाइड किया है कि नहीं, ये सब भी देख लेना। अभी हमने इधर एक अच्छी चीज़ की है, शायद वो आप अपने साइड पे भी कर सकते हो, इससे आपका कोर कटिंग का खर्चा बच जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूँ, वो मुझे तो बहुत पसंद आया, आप भी एक बार देख लेना कि वो कैस आइडिया कैसा है, आपका कोर कटिंग का बहुत पैसा बच जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है वो आप मुझे बताते रहना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी हमने देखो यहाँ पे क्या किया, ये स्लैब में वहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे तीन कटआउट आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, बार्स वगैरह डाल दिए, सब जैसा था वैसा सिस्टम हमने पूरा कर दिया। पर एंड में जाके क्या किया, नीचे प्लाई लगा दिया, उसके ऊपर जो हमारे इधर भराई आने वाला है, यहाँ पे शायद 150 का आ रहा है, तो वो डाल दिया, बाजू से कटआउट लगा दिया, कटआउट को ओपन रखा, और उसके अंदर हमने ये क्रश सैंड डाल दी। तो बाद में क्या होगा, ये सब चीज़ें जब हम स्लैब खोलेंगे नीचे से, तो जो वो नीचे हमने फॉर्म वर्क लगाया है वो वैसे ही नीचे आ जाएगा, उसके वह उसके साथ जो क्रश सैंड है वो भी नीचे आ जाएगी, तो हमें ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा, कटआउट मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, बाद में जो खर्चा आएगा कोर कटिंग का वो बच जाएगा। तो एक एक अच्छा आइडिया था, अच्छा फोरकास्टिंग था कि आगे जाके पैसा कैसा बचाने का है, तो ये सब अच्छा था। और जो बीम में कचरा वगैरह रहता है वो भी आप साफ़ है क्या नहीं, वो सब सी चीज़ें देख लेना, क्योंकि ये बाद में जाके अफेक्ट करती है। अभी हम यहाँ पे दो पार्ट में स्लैब भर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो पहला पार्ट तो हमने पहले ही कास्ट किया था, अभी दूसरा पार्ट कास्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले स्लैब कास्ट हो जाने के बाद हमने इसको 45 डिग्री एंगल में उसको ब्रेक करके रखा है, और इसके ऊपर बाद में हम कोट करेंगे, बॉन्ड बॉन्डिंग कोट प्रोवाइड करेंगे कास्टिंग के पहले, सीमेंट स्लरी विथ दैट केमिकल वी विल अप्लाई ब्रश ऑन दैट एंड वी विल स्टार्ट अवर कास्टिंग।